हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेम इज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने पीसी या लैपटॉप में शेयर इट ऐप कैसे यूज कर सकते हैं विदाउट डाउनलोडिंग ब्लू स्टेक्स। सो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्रोम ओपन करना है सबसे पहले आपको। क्रोम ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आज इंटरनेट स्लो है। तो आपको टाइप करना है डाउनलोड शेयर इट फॉर पीसी, आपको क्या करना है एंटर। फिर यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि डाउनलोड शेयर इट फॉर पीसी शेयर इट। आपको जो सेकंड आएगा शेयर इट डाउनलोड 2020 लेटेस्ट फॉर विंडो 10 8 एंड 7 क्लिक करना है, लोडिंग होगी। अभी ये आपको बताएगा कि आपको मैक में करना है, विंडोज में करना है, वेब एप्स में या एक। अब आपके लिए आज गया है तो आपको स्क्रॉल करते रहना। अब आपके में आ जाएगा ये 6.2 MB का है, आपको यहाँ से फ्री डाउनलोड पे दबा देना है, ये होने लग जाएगा। न्यू विंडो खुलेगी, फिर से अब ये पूछ रहा है कि आपको और मतलब इसके साथ साथ और क्या मिल जाते हैं। ये अपने आप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ गया है। इसका सेटअप ओनली 2.9 MB का है, तो मेरे में पहले से है, तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इसे मैं कैंसिल कर दूँगा यहाँ से। अभी ये आपको अपने इसमें जाना होगा, डाउनलोड्स में जाओगे तो यहाँ पे है शेयर इट, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते समय ये थोड़ी सी लोडिंग होती है, टाइम लेता है सब कुछ, यस पे दबाना है। अब न्यू विंडो ओपन होगी, लोडिंग होएगा। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, जो साइड में बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, क्योंकि आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल चुके हैं। तो ये ओपन हो गया है। अब ये पूछ रहा कौन सी लैंग्वेज में, तो इंग्लिश ही ओनली। और ब्राउज़र कौन से में करना है, तो आप यही कर सकते हैं, नहीं तो आप और कोई भी कर सकते थे, बाकी मेरे को नहीं करना था। अभी आ रहा है शेयर इट फॉर विंडोज, ये वर्जन है इसका 4.0.6.177। एस्पेक्ट पे दबाना है। अभी ये हो रहा है कंप्लीट, ये मतलब अब डाउनलोड होगा जब से मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये अपने आप बाहर स्क्रीन पे आ जाएगा, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो ये आ गया है शेयर इट, अभी मैंने इसे डबल क्लिक करके ओपन किया है, ये ओपन होगा। ये बिल्कुल अब इजी प्रोसेस होता है सब कुछ, ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। दोबारा से डबल क्लिक करता है, ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम आपके में भी लेगा, तो आप ऐसे मत सोचना कि अभी छोड़ो, हो गया अब ओपन। ये वर्जन है 4.0। अब सबसे पहले आपका नेट कनेक्ट होना चाहिए। अब आपको हॉटस्पॉट से करना है कनेक्ट, ये आपसे डिपेंड करता है। अब कुछ नहीं करना, आपको मोबाइल में खोलना है और सेंड पे दबाना है या रिसीव पे। पहले आप सेंड पे दबाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर फ़ोन में आएगा कनेक्ट टू पीसी, फिर आपको आएगा स्कैन QR कोड। और
अभी आपको कहीं पे QR कोड नहीं मिलेगा, तो आपको दबाना है शो QR कोड, फिर आप स्कैन करेंगे और सब कुछ हो जाएगा। और फिर आपको अगर इसकी लोकेशन पता करनी है कहाँ पे है, तो मैं दिखा देता हूँ। सेटिंग में जाना है आपको, अपना नेम भी रख सकते हैं यहाँ पे, चेंज भी कर सकते हैं जहाँ पे आपको रखना है। मैंने डाउनलोड्स में शेयर इट का एक न्यू फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पे रखे हैं। फिर आपको पासवर्ड भी रख सकते हैं अगर आप हॉटस्पॉट वाईफाई से करेंगे इसे। तो लेट्स सी देम, गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। गुड बाय।